divide by 12, 1, 2, okay, done. हाँ जी, next, इसे ना TI को भी करना, transform, जल्दी से, बाकी TI रह गया ना, आप लोग सारे हो गए. मोबाइल गरम है. मुझे नहीं मिला. ये तो एग्जिट फाइल है. इसमें ओसी को सारे सारा कहीं स्टार्ट से मिल गया. तुझे यहाँ पे पड़ी होनी चाहिए. एसपीएस के इधर इंस्टॉल हुआ है. कौन से उठा यहाँ पे कहीं स्टार्ट में आना चाहिए. शिफ्ट करके इधर नीचे डाउन एरो कर इधर कहीं एसपीएस न्यू वाले खाते में तुझे मिलेगा. ये सारे कर ये है कि ये है अब ये नहीं पता मुझे. दोनों में से कौन सा ऊपर वाला क्लिक कर. की डाल इसको बैक करो नीचे. ये देखें किस में आ रहा है सर प्रॉब्लम. नीचे आ जाओ नीचे उधर से करो ना बाहर से खींचो ना साइड से. हाँ बस इधर नीचे नीचे नीचे. अब देखें ओसी सीजी सीएस टीआई यहाँ कुछ आउटलायर्स हमें डिटेक्ट हो रहे हैं. ठीक है अब हमारा क्या काम है इसको डिटेक्ट करके इसको रिमूवल भी तो है ना हमारे. तो यहाँ से अब यहाँ से हमने डिटेक्ट तो कर लिए. अब हम इसकी ट्रीटमेंट कर दी हमने. तो इसके लिए हमें क्या करना है आपने आपने कुछ डिस्टेंसेस होते हैं वो निकालने होते हैं आपने. यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेस. डिस्टेंसेस के लिए आपने क्या करना है आपने इसको खत्म कर देते हैं. ठीक है बराबर तो और हमने किया एनालाइज. इसमें क्या है एनालाइज हमने क्या कैलकुलेट करें डिस्टेंसेस अमंग द आइटम्स. Distances among the items. Analyze में गए. Analyze में हमने क्या किया? Regression. Analyze. Regression. क्या हुआ? Analyze. Regression. Regression में क्या किया हमने? Analyze. Regression. उसके बाद linear में आ गया. अब मेरे पास dependent variable कौन सा है यहाँ? TI क्या है मेरे पास? Dependent है. Model के मुताबिक TI हमारे पास क्या है? Dependent variable है कि नहीं है? तो बोल पे क्यों नहीं है? वो आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? TI क्या चीज है? Dependent variable. Dependent variable. और बाकी हम सारे ले लेते हैं as a independent variable तीनों के तीनों. मैंने direct करके यहाँ ले. Dependent की जगह dependent डाल दिया और बाकी याद रखिएगा जब आप इस तरीके से पहले टेस्ट करें तो बाकी जो वेरिएबल होंगे वो आप एज अ इंडिपेंडेंट ट्रीट करो. चाहे वो मीडिएटिंग है या मॉडरेटिंग है आप उसको एज अ इंडिपेंडेंट ट्रीट करो. लीनियर रिग्रेशन में आके आपने यहाँ आ जाना है स्टैटिस्टिक्स में. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब आपने निकालने के बाद सेव में जब आओगे ना यहाँ आपने ऑप्शन चेंज कर दिया सेव. सेव में यहाँ लिखा हुआ है डिस्टेंसेस. लिखा हुआ डिस्टेंसेस यहाँ मेरा एरो है. इसके अंदर आपने लिखना है महानोलोगीज. क्या करना है आपने? महानो
लोबीज डिस्टेंसेस को आपने चेक कर, ओके। तो मैंने यहां कर दिया ओके करके कंटिन्यू कर दिया और मैंने यहां ओके का बटन दबा दिया। क्या कर दिया मैंने? ओके का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। इसको भी आपने इस टेबल को कुछ नहीं देखा, अभी आपने सिर्फ कर दिया। क्या हमने निकाल लिया? मान लो 20 डिस्टेंस। एनालाइज में क्या है, रिग्रेशन में क्या है, डिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट की जगह इंडिपेंडेंट, सेफ की जगह मैं जाके क्या किया, मान लो 20 डिस्टेंस को चेक किया और मैंने ओके का बटन दबाया और आपके सामने अब स्क्रीन आ गई। अब इसी के साथ मैं इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेता हूं। क्या निकालता हूं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं अगेन जाऊंगा ट्रांसफॉर्म के अंदर, एक नया वेरिएबल हम निकालेंगे। ट्रांसफॉर्म के अंदर जाऊंगा, ट्रांसफॉर्म में जाके क्या करूंगा, कंप्यूट वेरिएबल। यहां मैंने कर दिया प्रॉब, क्या लिख दे, मैंने नाम लिख दिया प्रॉब टारगेट में। हाँ टारगेट में, हाँ प्रोबेबिलिटी से ना, प्रॉब के नाम से मैंने फॉर्मूला लगाया, वन माइनस ये आल फंक्शन है ना, इसको क्लिक किया। क्या किया मैंने? प्रॉब के नाम से टारगेट वेरिएबल क्या बना रहा हूं, प्रॉब। प्रॉब के बाद मैं क्या कर रहा हूं, वन माइनस, यहां मैंने काई स्केयर का टेस्ट सिलेक्ट करना है। क्या निकालना है? क्या शो हो रहा? वो वन माइनस नहीं लिखा है, होल्ड स्क्रीन नहीं आ रही। कौन सा टेस्ट सर? काई काई स्केयर टेस्ट। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने क्या किया, वन माइनस, ठीक है। तो यहां मैं फंक्शन सेलेक्ट करता हूं, यहां ऑल फंक्शन मैंने सेलेक्ट किए और इसमें ऑल फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद मैं नीचे आ गया सी डी एफ, यहाँ काई स्केयर लिखा होगा कहीं, काई स्केयर लिखा हुआ, इसको मैंने क्लिक किया डबल, तो मेरे पास इस तरीके से फॉर्मूला आया। फॉर्मूला जब आएगा इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें दो सवाली निशान से बने आएंगे कि कौन सी वैल्यूज। तो एक वैल्यू मैंने डाल देनी मानो लो 20 की, ठीक है, और एक वैल्यू मैंने लगा देनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या लगानी है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वन माइनस नंबर ऑफ वेरिएबल। हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? वन माइनस फोर वेरिएबल, तो कितना निकला, कितने हमारे वेरिएबल है, सी जी एक वेरिएबल, ओ सी टू, सी एस थ्री, टी आई फोर। वन माइनस फोर वेरिएबल कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम? थ्री। तो मेरी यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं कर दूंगा थ्री, ओके। तो मैंने जैसे ही ओके का बटन दबाया तो ये वेरिएबल कंप्यूट होके आ गए, कर दिया। अब मैं अपनी डाटा शीट के अंदर वापस चला जाऊंगा, इसको मैं डिलीट करूंगा, यहां से मूव कर देता हूं। अब आगे देखें आपके सामने ये डाटा शीट कंप्यूट हो गया, ठीक है, आगे कंप्यूट हो गया, एक महान लोबीज भी आ गया और प्रॉप भी आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कर देना है, दोनों को फंक्शन में ऑल करने के बाद जो है फंक्शन और वेरिएबल सीडीएफ का स्केयर आपने सेलेक्ट करा नीचे, इसको मैंने क्या कर दिया, दोनों को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, सॉर्ट डिसेंट। क्या कर दूंगा? सॉर्ट मैंने सॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग में, ऐसे ना। अब देखिए सॉर्ट डिसेंडिंग जब मैंने किया तो मेरे पास वैल्यू कुछ यू आ, वैल्यू कुछ चेंज हो गए, डाटा कुछ ने ऊपर नीचे कर दिया सारा। तो देखिए हमारे पास डाटा पूछा कितने पे गया, सात था ना, वन टू सेवन का था ना, तो 15 वैल्यू नॉर्मली नजर आ रही है आपको, 15 कुछ, छह छह सात होती समझ में आती थी, 15 10
और इसमें देखें प्रोबेबिलिटी, और जिसमें प्रोबेबिलिटी भी 0.001 हो, कोशिश हो कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.001 से एक्सीड होनी चाहिए। तो आप देखें जब आपका डिस्टेंस ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी भी 0.00 है, आ रही है ना। तो आखिर हम कहां तक डिलीट कर सकते हैं, हम इसमें से आके मैं वैल्यू आउटलायर्स की वैल्यूज जो है, इसका मतलब मुझे यहां से डाटा डिलीट करना है। तो मुझे डाटा डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे किस रो तक जाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट मैं कहता हूं मैं यहां तक डिलीट कर दूं, कहां तक, 23 तक, क्या कर दूं यहां से। देखिए आप देखिए इसमें केस आईडी कौन कौन से आए हैं, सोचे आप केस आईडी कौन कौन से आए हैं, देखें 279 आया हुआ है, 270 आया हुआ है, जो वो आउटलायर्स में शो कर रहा था, स्टेरिक में बन रहे थे ना वो, तो देखिए वही आईडीज हैं, 237, 294, 250, 54, ये वही आउटलायर्स आ रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, यहां तक मैं 23 तक डेटा ला दूं, आउटलायर्स की वजह से मैंने यहां से डेटा यहां से मैंने इन सब रिस्पोंडेंट्स को, तो मेरे पास यूजेबल डाटा जितना बचेगा वो मेरा यूजेबल होगा, बाकी मेरे सारे आउटलायर्स थे, इसलिए हमने वो डाटा स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक हो गया, अब आपके पास ये डाटा आ गया, अभी भी एक जो है इसको भी कट कर, इसकी भी ज्यादा है वैल्यू, इसको भी हम कट कर। तो अब हमारे पास डाटा आ गया बेसिकली, अब ठीक है डाटा हमारे पास 0.001 से एक्सीड है वैल्यू, और ये मेरे पास डाटा जो यूजेबल बच गया 279, बाकी सब उड़ गया डेटा स्क्रीनिंग। अब मैंने क्या निकाली, यहां से आउटलायर्स भी डिडक्ट करके उनको रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले हम लोग इस डिस्टेंस कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद फिर मैंने काई स्क्वायर का फंक्शन करके प्रोबेबिलिटी को निकाला, प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद फिर मैंने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किया, जो वैल्यूज 0.001 से एक्सीड हो रही थी और जिसका डिस्टेंस 7 से ऊपर था उस सब को मैंने डिलीट कर दिया, क्या समझ के, दैट वाज द आउटलायर, उसको डिलीट किया। अब मेरा डाटा इसके मुताबिक नॉर्मल, अब क्या है डाटा नॉर्मल, अब बाकी जो अजम्पशन होंगी वो ऑलमोस्ट ठीक आएंगी इस डाटा के। तो हमने आउटलायर्स को भी यहां पढ़ लिया, हमने मिसिंग वैल्यू भी कर ली, आउटलायर्स भी निकाल ली। अब आती है नेक्स्ट जो ऑप्शन आती है नॉर्मेलिटी, किसकी आ रही है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या है, डेटा के अंदर नॉर्मेलिटी, तो उसके लिए हम सबसे ज्यादा हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, बेसिकली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है डेटा की, स्टैट में जाएं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या कहीं पॉजिटिव स्क्यूड तो नहीं है, नेगेटिव स्क्यूड तो नहीं, के लोग ज्यादातर पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं या नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, या न्यूट्रल है, किस तरह, या इक्वली डिवाइडेड है, डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारे पास जो एक्चुअल डेटा आया रिस्पोंडेंट से इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनेयर, क्या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या पॉजिटिव स्क्यूड है, ज्यादातर रिस्पोंडेंट पॉजिटिव में जा रहे हैं या नेगेटिव जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपने आइडेंटिफाई करनी होती है, एक होती है स्क्यूनेस और एक होती है कर्टोसिस, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। जब आपके आउटलायर्स होंगे तो जहरी बात है आपकी स्क्यूनेस और कर्टोसिस डिस्टर्ब। तो अब मेरा ये मानना है कि हमने अब आउटलायर्स रिमूव कर दिए तो हमारी स्क्यूनेस और कर्टोसिस विद इन द रेंज होगी, और वो रेंज क्या है बेसिकली, प्लस वन से माइनस वन, प्लस वन से एक्सीड ना करे, माइनस वन से एक्सीड ना करे, प्लस माइनस वन, या दूसरे कुछ ऑथर्स कहते हैं प्लस माइनस टू, प्लस माइनस टू भी वो कहते हैं ओके रेंज, प्लस साइड में भी टू, माइनस साइड में भी टू से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, इसी रेंज में हो आपकी जो स्क्यूनेस और कर्टोसिस की जो वैल्यूज हो इसी रेंज में हो,
तो हम वो निकाल लेते हैं कि हमारी डाटे की क्या निकलती है वैल्यूज, क्या वो नॉर्मल है, क्योंकि अब हमने आउटलायर्स भी डिडक्ट करके उसको रिमूव कर दिया, तो मेरे ख्याल से हमें स्क्यूनेस और कर्टोसिस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं नॉर्मेलिटी के अजम्पशन के लिए डाटा नॉर्मल है कि नहीं है। एनालाइज, वही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में चले गए, फ्रीक्वेंसीज में चले गए। फ्रीक्वेंसीज में जहाँ आपने वेरिएबल ड्रैग किए थे वहाँ सारे वापस नहीं थे, ठीक है। अब आपने यहाँ क्या निकालना है, आप अपने वेरिएबल को यहाँ ड्रैग करें, ओ सी आपका वेरिएबल, सी जी आपका वेरिएबल, सी एस ओ टी आई है, इसको ड्रैग कर दें। क्या करें आपने, वेरिएबल जो कंप्यूटेड वेरिएबल उसको ड्रैग कर दिया मैंने, ड्रैग करके मैंने स्टैटिस्टिक्स में गया। अब मुझे मीन मीडियम मॉड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, स्क्यूनेस कर्टोसिस की वैल्यू। तो मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यू, और मैंने कर दिया ओसी की स्क्यूनेस कर्टोसिस डिस्टर्ब तो नहीं है, हाँ जी बताएं, विद इन द रेंज है कि नहीं है, सोच रही है यार अभी तक देख नहीं पा रहा। हाँ जी देखिए, फर्स्ट टेबल स्टैटिस्टिक्स का पहला टेबल देखो ना यार, स्क्यूनेस और कर्टोसिस लिखा हुआ है, ओसी की भी लिखी हुई है, स्क्यूनेस 0.852 +1 -1 +1, ये पॉइंट है, तो कम है ज्यादा है, कम। गुड, अब देखिए स्क्यूनेस कर्टोसिस डिस्टर्ब तो नहीं है, तो इसका मतलब है हम तमाम वेरिएबल के देखिए स्क्यूनेस कर्टोसिस विद इन द रेंज है, इसका मतलब अब हमारा डाटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमने यहाँ से निकाल दिया स्क्यूनेस और कर्टोसिस, ठीक हो गया, क्लियर। चले आगे चले, आज तो खत्म ही खत्म, एसपीएसएस क्लोज करेंगे आज, जाना यहाँ से, एंट्री और एग्जिट खत्म, आज यहाँ 3 घंटे के लिए आप भी बाउंड हो मैं भी। हाँ जी आगे चलें सर, ये सीजी वगैरह का ये -1 से ज्यादा नहीं है, सीजी कर रहा हूँ किसका, ये कटौती वगैरह सर, किसका, सीजी का, यस सर, सीजी का नहीं, 1.1 समथिंग थोड़ी देता है, ये माइनस पॉइंट चल तो रहा है, 1 +1 -1 पॉइंट से नीचे है ना, ठीक है वो पॉइंट समझ रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया, क्लियर हो गई ये चीजें, वो सीख लेंगे। हां जी क्या हुआ सुल्तान, बुखार हो गया क्या, उसका चल नहीं रहा सर, उसका चल नहीं रहा, रिकॉर्ड कर रहे वैसे, पर वैसे भी देखो इनकी क्लास लास्ट वीक चल रही है, ये सीखने के लिए पता है इनका, ये क्लियर ना हुआ तो ये फेल, तो बेचारे यहां एक्स्ट्रा क्लास भी ले रहे, हमारी तो क्लास भी नहीं है सर इसके बाद, आपकी क्लास नहीं होगी, 5th Feb को वैसे ही वो होगा, ऑफ होगा, अच्छा तो बस आज खत्म, टेस्ट भी खत्म, इसलिए हम तो वो सीखने का चांस भी नहीं है, हमें पता आज के बाद ही फेल है, क्यों सीखने का चांस है, मतलब ये तो सेकंड क्लास अटेंड कर ली इन्होंने, हमारे पास तो आप चला जाओ, कल तो हमारी बात ही बेस्ट की वाइज होने, आप कल आ जाओ, मैंने तो नहीं रोका, कल हमारे साथ ले लेंगे, किस क्लास में, ये एमबीए की क्लास जिसमें आप फर्स्ट लिया था, कल कितने बजे था, कल 9 बजे, कल 9 बजे तो हमारा क्लास होती है, क्लास सर ये लैब टेस्ट हो ये इसी तरह आएगा जैसे, ये तो आपकी वो स्किल है, ये मैंने इसे कहा ना, ये आपकी वो कर्टोसिस, क्लियर। अब अगला टेस्ट मैं करता हूँ आपके सामने, नॉर्मेलिटी का भी हमने कर दिया, अब हम मल्टी कुलियरिटी के ऊपर आ रहे हैं, मल्टी कुलियरिटी, अब इसका मतलब ये है कि आइटम क्या एक दूसरे के साथ रिलेट तो नहीं है, हमें ये चेक करना है, इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द आइटम्स, इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द क्वेश्चंस, क्या फॉर एग्जांपल मैंने कैरियर ग्रोथ और ओसी के, क्या दोनों कंस्ट्रक्ट के क्वेश्चन सेम तो नहीं है, कि फॉर एग्जांपल मैंने कंपनसेशन भी रख लिया वेरिएबल और रेमुनरेशन भी रख लिया, तो दोनों वेरिएबल तो सेम चीज को पूछ रहे हैं, तो क्या इनके आपस में इंटरनल कंसिस्टेंसी तो नहीं है, फिर वो एक वेरिएबल है, मुझे एक डिलीट करना पड़ेगा और एक रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, VIF, वेरिएबल इन्फ्लेशन फैक्टर, VIF, क्या निकालते हैं, वेरिएबल इन्फ्लेशन फैक्टर, टू कैलकुलेट द इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द आइटम्स, कि फॉर एग्जांपल ओसी और कैरियर ग्रोथ के आइटम सिमिलर चीज को तो नहीं मेजर कर रहे,
क्या वो एक दूसरे से डिफरेंट है, दो डिफरेंट चीजों को मैयर कर रही है, एक ही चीज को मैयर कर कि मैंने जो छह क्वेश्चन पूछे कह रहे ग्रोथ के भी एक वेरिएबल उसमें भी छह क्वेश्चन वही पूछ रहा है, मैं भी वही पूछ रहा हूँ, इसका मतलब कि एक डिलीट करना होगा और एक रखना होगा। इसे आपके पास दो गलती से दो पेयर आ गए, आपने एक रखना है और एक डिलीट करना है, कन्फ्लिक्ट ना कर रहा हो आपस में। कन्फ्लिक्ट नहीं, इसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है, वो जब दोनों में तो इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स बनते हैं, डाटा रन नहीं होता, प्रॉब्लम हो जाती है। आगे चले भाई, आगे चले। यस सर। अब आपने क्या करना है, अब हमने वीआईएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी, क्या करनी है, वीआईएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जरा शोकर साहब आए जा रहे, ठीक है, कैलकुलेट करने जा रहे। तो सबसे पहले आप एनालाइज में जाएं, एनालाइज रिग्रेशन नीचे आए, इसी तरह नीचे आते जाएं, यहाँ एक रिग्रेशन लिखा होगा, यस, इसमें लीनियर में है, लीनियर, ओके, क्लिक। इसमें आइटम्स ड्रैग हुए हैं ऑलरेडी, वरना अगर ना होते तो आप क्या करते, डिपेंड वेरिएबल की जगह इसको पहले डिपेंड वेरिएबल को क्लिक करें, डिपेंडेंट वेरिएबल जाने के, इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें, हाँ, इसको ड्रैग करें वापस, एक बटन दबा, साथ ही एक बटन दबाए ना, ये वाला ड्रैग का, ये वाला, इसको भी डिलीट करें, यहाँ से खत्म, हाँ वापस भेजें, यहाँ सीधे सीधे से ऐसे ऐसे एरो 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 यहाँ से जो एरो बने हुए इधर से ऊपर है ना, हाँ ये वाला, इधर से इसी तरह ये भी, हाँ ये भी इधर उड़ाए, हाँ इधर से नहीं उड़ेगा, ऊपर इसको वापस, ठीक है, इस तरह इसको वेरिएबल, इसको वापस, ये भी वेरिएबल वापस, ये भी वेरिएबल वापस, ये साइड भी वापस। अब आपके पास नीचे ये वेरिएबल है, ठीक है, अब आपने इसमें से डिपेंड वेरिएबल आपका कौन सा टी आई, पहले सेलेक्ट करें टी आई को और ऊपर जाके डिपेंड वेरिएबल में ड्रैग करें ऊपर, हाँ इसको ये एरो जहाँ एरो बना हुआ है इससे ड्रैग करते होते हैं, यस, ओके। अब इसी तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके कौन से हैं, ओसी पहले करें, ओसी सेलेक्ट करें, ड्रैग करें नीचे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, यस, इधर ड्रैग करें, इसी तरह ओसी, ओसी आ गया, सीटी करें ना, सीएस करें, ठीक है, ओके। अब यहाँ हो गया, अब इसमें स्टैटिस्टिक्स में जाएं, ऊपर जाएं स्टैटिस्टिक्स में क्लिक करें, अच्छा यहाँ आपने इसमें कुलियरिटी डायग्नोसिस लिखा हुआ है लास्ट में देखें, यस, इसको क्लिक करें, ऊपर सारे अनचेक कर दें, ऊपर से सारे अनचेक कर दें, इसको भी कम चेक अनचेक करें, इसको भी अनचेक करें, कंटिन्यू, ओके का बटन दबाएं, हाँ जी कुलियरिटी आ गई, ऊपर देख पहले पहले कोफिशिएंट्स पे वीएएफ, वीएएफ सर कितना है, नीचे देखें 1.07 1.021 वीएएफ की वैल्यू क्या 3 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, 3 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, यानी लेस देन 3 हो, अगर 3 से